ये देखिए, ये पुराने वाले हैं, ये थोड़े टेढ़े हो गए थे, देख सकते हैं आप, बैंड हो गया है ये। आने का बहुत इजी प्रोसेस था, मैंने आपको बताया, इसको अंदर लगाना है। मैं थोड़ा इसे लूज कर देता हूँ, ये रबड़ टाइट हो गया। अब मैं दूसरा वाला भी लगा लेता हूँ इसी के साथ। अब प्रोसेस जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ, चलिए मैं अब इसे इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। हेलो गाइस, आपका मेरे यूट्यूब चैनल राइडर खान में एक बार फिर से वेलकम। आ गए हम एक नए ब्लॉग के साथ। ये है डैम्पर असेंबली हैंडल बार, जो कि मैं TVS के सर्विस सेंटर से लाया हूँ। बिल्कुल जेन्युइन पीस है, आप देख सकते हैं। मैं ये सर्विस सेंटर से लाया हूँ, इसे लोग हैंडल वेट हैंडल बार भी बोलते हैं। तो मैंने सोचा ये चेंज करूँ, मेरे पुराने वाले टूट गए थे, गल गए थे, मैं इसलिए लेके आया हूँ। ये बाइक के सेफ्टी के लिए भी बहुत बढ़िया होता है। कभी आपकी बाइक गिरती है तो हैंडल पर सबसे पहले यही लगता है ज़मीन पे, तो ये बहुत बेटर चीज़ होती है। मैं चाहता हूँ आप भी लगाएं। इसको लगाने का ज़्यादा बड़ा प्रोसेस नहीं है, सिंपल प्रोसेस है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको लगा सकते हैं। इसका देख सकते हैं आप नेट जो आइटम नंबर, मार्केट प्राइस, बैच नंबर वगैरह सब कुछ है। बिल्कुल जेन्युइन पीस है, मैं TVS के सर्विस सेंटर से लेके आया हूँ। नियर बाई में आपके भी होगा, आप भी ले सकते हैं। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस, इजी प्रोसेस, आप इजीली इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये देखिए, मेरा निकाल के दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखिए ऐसा दिखता है। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, इसमें कुछ नहीं करना, ना आपको नट बोल्ट खोलने की ज़रूरत ना कुछ। ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, इसको भी खोलने की ज़रूरत नहीं है, सब में से कोई चीज़ बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये सब ऐसी फिटिंग में ही रहेगा, बस आप इसको इजीली अपने हैंडल के वो पुराना वाला निकालें और नया वाला लगा दें, और स्क्रू ड्राइवर की मदद लगेगी सिर्फ। इसको ऐसे ही लगा दें आप बिल्कुल, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से टाइट कर दें, तो ये रबड़ जो है पीछे आ जाएगी और गैपिंग जो है वो फिक्स हो जाएगा, तो ये बाहर नहीं आएगा, हिलेगा भी नहीं। बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको दिखाऊंगा भी लगा के, सिंपल। एंड इसका वेट भी सही होता है अच्छा खासा। हम इसे लगाए, ये मुझे मार्केट से करीब दोनों पीस लिए हैं मैंने, तो मुझे मिले हैं 380 रुपीज़ के अराउंड मिले हैं, और आपको भी शायद इतने में ही मिले विद GST जो भी है पेड करके। बहुत इजी प्रोसेस, चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे लगाते हैं, क्या है और कैसे होगा, सिंपल प्रोसेस। बट इसको इंस्टॉल करता हूँ अपनी बाइक में, बहुत इजी प्रोसेस है, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी ऐसे ही करिएगा जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके लिए सिर्फ एक स्क्रू ड्राइवर की मदद चाहिए, स्टार मुंह का, स्टार फेस का होना चाहिए सिर्फ। ये आपको एक स्क्रू ड्राइवर लगेगा स्टार टाइप का, आप बस ये लीजिए और इसकी मदद से आप ये लगा सकते हैं, और ज़्यादा टाइम नहीं, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस जो मैं अभी आपको करके दिखाने वाला हूँ। चलिए मैं अब इसे इंस्टॉल करता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो गाइस, इसको लगाने का बहुत इजी प्रोसेस था, मैंने आपको बताया, इसको अंदर लगाना है। मैं थोड़ा इसे लूज़ कर देता हूँ, ये रबड़ टाइट हो गई है, देखिए इजी अंदर चला जाएगा। इसको अंदर प्रेस कर देना है, थोड़ा टाइट जाएगा क्योंकि जंग लगा हुआ था पहले। ये फिट हो गया, बस इसको टाइट कर देना है। ये देखिए बिल्कुल फिट हो गया, अब ये लूज नहीं होगा, बाहर नहीं आएगा। अब मैं दूसरा वाला भी लगा लेता हूँ इसी के साथ, आप चलिए। मैंने दोनों सेट लगा दिए, देख सकते हैं आप, बहुत इजी प्रोसेस था। ये दोनों लगने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, पुराने वाले टूट गए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बिल्कुल बढ़िया चीज़ है, आप शोरूम सर्विस सेंटर से ख़रीद सकते हैं।
तो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मैंने पुराना वाला निकाला, ये देखिए बिल्कुल बेंड हो गया है, टेढ़ा हो गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही थी इससे। और दूसरा वाला तो बिल्कुल गल सा गया है, आगे से जंग खा गया है। कभी भी स्पीड ब्रेकर आता था तो ये वाइब्रेट होकर बाहर निकल जाता था, इससे मुझे अनसेफ्टी फील होती थी, तो मैं इसलिए नए लेके आया हूँ। मैंने नए डाले हैं, ये बाइक की सेफ्टी के लिए बहुत बढ़िया होते हैं, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, बताया मैंने आपको 380 रुपीज़ के दोनों। आप चाहे तो सिंगल भी ले सकते हैं, डबल भी ले सकते हैं, आपकी रिक्वायर्ड के ऊपर है, सिंगल भी पीस मिल जाता है। तो गाइज मैं तो कहूँगा आप अगर लें तो जेन्युइन पीस ही लें, TVS का ही लें, सबसे बेटर होता है। साथ ही गाइज अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, साथ ही बेल आइकन वाले बटन को ऑल पे सेट करें ताकि फ्यूचर में कोई वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले।